आठ 2030 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर शुरू होता हुआ फील्डिंग में जमावट हो चुकी है। पहला ओवर इस वक्त फेंका जाता हुआ रिफॉन द्वारा और पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी है और पहली गेंद लेकर तैयार था इन्हें त्रौंद विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार रिफॉन की गेंद पैरों पटकाई, बल्लेबाज समझ नहीं पाए कि गेंद कहां पर गई है, रन इस बीच नहीं मिलेगा और रन इस वक्त रुक चुके बिना किसी रन के बिना किसी विकेट के, जबकि स्कोर है इस वक्त शून्य पर। और फिर से एक बार रिफॉन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात रहा उनका विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज लतीफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार टॉप एज मौका शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। जस्ट कॉन फॉर काउंटर एट द लास्ट मोमेंट गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस और गेंद बल्लेबाज के बल्ले पर टकराने के बाद विकेट कीपर के हाथों पर टकराने के बाद हवे में उछली और शॉर्ट थर्ड मैन पर इस कैच को लपक लिया गया बाखूबी। तो यहां पर पहला विकेट गिर चुका है लतीफ का शून्य पर और इस वक्त कुलशेखर फ्रेंड्स अपना पहला विकेट खो चुका है। तो इट्स नॉट फॉर वन इन द फर्स्ट ओवर। तो कई हजारों दर्शक न सिर्फ देश में इस देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजारों दर्शक इस बेहतरीन श्रृंखला का मुआयना करते हुए केपीएल कुंडला प्रीमियर लीग सीजन 8 2023 का और उनमें से एक है श्रीमान राजू बंगेरा पुजारी जो कि इस मैच का लाइव सीधा प्रसारण इस वक्त देखते हुए इसराइल में इसराइल से। तो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ जो कि कुलशेखर फ्रेंड्स टीम के ओनर हैं जेरूसलम स्टार्स प्रमोट क्रिकेट इसराइल, तो श्रीमान राजू बंगेरा जो कि कुलशेखर फ्रेंड्स के ओनर हैं जो कि इस वक्त इस मैच का मुआयना करते हुए इसराइल से अपने दोस्तों के साथ। तो एक बार फिर से उनका हार्दिक हम स्वागत करते हैं श्रीमान राजू बंगेरा पुजारी जो कि इस वक्त इस मैच का मुआयना कर रहे हैं इसराइल में अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हार्टली वेलकम टू यू सर मिस्टर राजेश बंगेरा पुजारी बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ केपीएल एंड ऑल द स्पेक्टेटर्स, थैंक यू। तो इस बीच गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक इस वक्त संतोष के पास दाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट मौका शॉट थर्ड बॉल पर लेकिन शायद यहां पर देखना यह कि विकेट यहां पर गिर चुका है और इस बीच संतोष ने अपना हाथ दिखाया था कि हाथ के ऊपरी भाग से लगाया लेकिन अंपायर रोलैंड पिट्ठू काफी चौकन्ने हैं, वो जानते थे कि गेंद असल में कहां पर टकराई है और गेंद आखिरकार उन्होंने अपनी उंगली उठाती थी। तो दो गेंदें दो विकेट और निस्संदेह यहां पर शकलिंग स्टार्ट जिसे कहते हैं कुलशेखर फ्रेंड्स यहाँ पर कर चुका है शून्य पर दूसरा विकेट खो चुका है और दो विकेटें दो गेंदों पर प्राप्त करने के बाद रिफॉन इस वक्त हैट्रिक का गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। तो इस वक्त देखना यह है कि रिफॉन अपना हैट्रिक का परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। सो श्रीदेवी माफ कीजिए एसटीसी जयपुर इस वक्त जो कि मेजबान टीम है यहाँ पर टॉस जीतने के बाद मेजबान टीम ने पहले टॉस फील्डिंग का करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और पहले ही ओवर में सफलता दो प्राप्त कर चुके हैं। रिफॉन हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। अजमल का आगमन हो चुका है, बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं अजमल और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एक अरसे के बाद यहाँ पर उर्वा क्रिकेट मैदान पर अजमल का खेल हम देख रहे हैं, बहुत ही वक्त बीत चुका है और काफ़ी वक्त के बाद उनके खेल हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा और वाइड किस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक रन का इजाफा, एक रन दो विकेट के नुकसान पर रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। जहाँ तक अजमल का सवाल है, तकनीकी तौर पर बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं। यहाँ पर कई बेहतरीन पारियाँ इस उर्वा क्रिकेट मैदान पर उन्होंने खेली है और काफ़ी लंबे समय के बाद उनकी उपस्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं। यह गेंद स्टीयर किया इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, अंतिम क्षण में बल्ले के मुँह को खोलते हुए जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द प्लेट गेंद को स्टीयर किया था लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस और फिर से एक बार रिफॉन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी। सात खिलाड़ी बिस्कस के दायरे के अंदर मौजूद और ये गेंद इस बार बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन जिसके अजमल रन के लिए दौड़ पड़ा। निशाना इस वक्त चूक चुका है, निशाना चूक चुका है। अगर निशाना टकराता स्टंप्स पर तो निस्संदेह यहाँ पर अल्ताफ की पारी पर शायद पर्दा गिर सकता था लेकिन निशाना चूका और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका दो एक रन प्राप्त करने का, दो रन दो विकेट के नुकसान पर। जहाँ तक कुलशेखर फ्रेंड्स के एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो इस वक्त उन्हें एक साझदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है। अभी भी सात ओवर्स और उनके पारी में और खेले जाने बाकी, तो इस वक्त एक साझदारी निभानी है क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज अजमल और अल्ताफ को मिलकर। और जहां तक सवाल है एसटीसी वॉरियर्स के गेंदबाजों को तो इस वक्त चाहिए चंद और
विकेट उन्हें गेंद बल्लेबाजों पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का। वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 3 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 3 for the loss of 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ओवर। रिफान फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा क्विक डिलीवरी, मिसिंग जस्ट और साथ ही ऑफ स्टंप, फर्स्ट ओवर गेम स्टूडेंट सक्सेसफुल ओवर गेम स्टूडेंट फ्रॉम रिफान। Three runs on the board, 2 wickets lost, and this is an absolutely shackling start for Kulshekar Friends against STC Warriors after being losing the toss and put it to bat by STC Warriors in the match number 3 of this prestigious cricket tournament, Kudla Premier League Season 8, 2023. दर्शकों की ताजा काफी हद तक इस वक्त बढ़ चुकी है, सुबह से ज्यादा दर्शक इस वक्त मैदान के इर्द गिर्द यहाँ पर नजर आते हुए मैदान के चारों ओर इस वक्त नजर आते हुए और यहाँ पर खामोशी के साथ मैच का मुआयना यहाँ पर करते हुए, वहाँ पर जो कि बैनर फ्लैक्स जो कि इस वक्त लगा हुआ है बैकवर्ड थर्ड मैन पर रेड विंग्स रेंजर का, और अगर उस फ्लैक्स पर कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है तो उन्हें 500 रुपए का नगद पुरस्कार, जो कि बाबू रेड विंग्स रेंजर्स के बहुत ही बड़े सपोर्टर है, समर्थक है बाबू, श्रीमान बाबू, इनकी ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा अगर कोई बल्लेबाज रेड विंग्स रेंजर्स के फ्लैक्स पर अगर छक्का लगाता है तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार श्रीमान बाबू रेड विंग्स के सबसे बड़े समर्थक सपोर्टर है उनकी ओर से दिया जाएगा। तो इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए विजन इंडिया एंड की ओर से अनीश ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद जमीन के सहारे, गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खेल दिया, गेंद पहुंचती है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर प्राप्त करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था अजमल ने अंतिम क्षण में स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट के दरमियान खाली क्षेत्र चुनते हुए और 2 रन बल्लेबाज पटोड़ने में सफल, और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 5 रन, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है और अनीश एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 6 for the loss of 2 विकेट। 10 मैचेस कुल मिलाकर आज खेले जाएंगे, डे नाइट क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर चलेगी इस श्रृंखला के पहले दिन में। और इस बीच गेंदबाज की गेंद इस बार अजमल के स्वीप करना चाह, कुछ हद तक उछाल लेते हुए गेंद और लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद जब तक शॉर्ट मिड विकेट पर फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने के, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुँच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर अभी भी अपने आरंभिक 2 आघातों से संभलने की पूरी कोशिश करता हुआ कुलशेखर फ्रेंड्स, और इस बीच फील्डिंग में जमावट करते हुए गेंदबाज अनीश दूसरा पावर प्ले ओवर यहां पर जारी और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। तैनात ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को चिप करते हुए उछाल दिया लंबा सीमा रेखा के ऊपर से 4 रनों के लिए, अल्ताफ वालपाड़ी जो कि ऐसे स्ट्रोक से खेलने में माहिर है यहां पर पावर प्ले का फायदा उन्होंने उठाया, विकेट से हटते हुए स्टंप से एक्सपोज करते हुए इनसाइड आउट क्रिकेट उन्होंने खेला और चौका यहां पर प्राप्त करते हुए। तो यहां पर जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका अल्ताफ और अजमल 2A इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और इन दोनों बल्लेबाजों को इस वक्त एक बेहतर साझेदारी निभानी है अगर कुलशेखर फ्रेंड्स को यहां पर एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होना है। तो यहां पर 4 रन अल्ताफ वालपाड़ी के खाते में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 2 अंकों पर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 12 for the loss of 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। व्हाट अ फैंटास्टिक सिनेरियो वी आर वॉचिंग राइट फ्रॉम हियर फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा ऑफ साइड पर, गेंद गई बल्ले का भीतर किनारा टकराने के बाद ऑन साइड पर मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 13 for the loss of 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद अल्ताफ के लिए जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, नॉट सक्सीडेड, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची और इससे पहले के स्वयं विकेट कीपर संतोष बंटवाल गेंद को जब तक अपने पीछे की ओर जाकर फील्ड करे 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 3 ओवर्स कंप्लीटेड, इनफैक्ट इट्स 2 ओवर्स कंप्लीटेड, 14 रन्स ऑन द बोर्ड, 1 2 विकेट्स डाउन और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा अब साझदारी 11 रनों की बन चुकी है अजमल और अल्ताफ वालपाड़ी के बीच में और धीरे धीरे यह साझदारी इस वक्त मैदान पर जमती हुई। तो इस वक्त एसटीसी वॉरियर्स की ओर से
अत्यंत उनके अत्यंत अनुभवी गेंदबाज संतोष को गेंदबाजी पर बुलाया गया है और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्ताफ वालपाड़ी के लिए। तो फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई दो ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद है। और जहाँ तक सवाल है एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा सीधा इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्ताफ वालपाड़ी के लिए। पहली गेंद यह गेंद ड्राइव करना चाह उछालना चाह नॉट क्वाइट मिड विकेट इनफैक्ट इट्स गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर दो विकेट के नुकसान पर 15 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट। तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है थर्ड ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट वे एको और संतोष अजमल के लिए इस वक्त दाहिना तो पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्विंग्स एंड दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस इट्स अ ह्यूज वन लेग कटर डिलीवरी के बाउंस को उछाल को पहले ही भापते हुए ऑन साइड पर गेंद को पुल कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ अजमल ने छक्के के लिए और ये छक्का निस्संदेह अजमल का मनोबल बढ़ा चुका है। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करने में सफल 21 रन दो विकेट के नुकसान पर अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद अंदर की रहती है बेहतर गेंद थी बेहतर ऑफ कटर पूरा आत्मसम्मान न देते हुए बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को ढकेला रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार इस बीच संतोष गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हैं फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर और एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 22 रन बन चुके हैं दो विकेट के नुकसान पर 22 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस एक्सेप्ट दे लॉस देयर टू विकेट दे आर प्रोग्रेसिंग अलोंग नाइसली नाउ दिस टाइम परफेक्ट लेग कटर फ्रॉम द बॉलर संतोष वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर बीटिंग अल्ताफ वालपाड़ी और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो कुल मिलाकर अब साझदारी जो कि बन चुकी है 19 रनों की नहीं 22 रनों की साझदारी बन चुकी है शून्य पर दो विकेट गिरे थे। यहाँ पर ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और इसी के साथ डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर्स कंप्लीटेड 22 रन ऑन द बोर्ड 2 विकेट्स लॉस्ट एंड स्लोली एंड स्टडीली दिस पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप फॉर कुलशेखर फ्रेंड्स और निस्संदेह कुलशेखर फ्रेंड्स एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ M9 स्पोर्ट्स द्वारा इस M9 स्पोर्ट्स चैनल द्वारा इस श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है YouTube पर। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हज़ारों दर्शक इस श्रृंखला का मुआयना करते हुए YouTube के जरिए और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति करते हुए KPL सीजन 8 2023 के नाम पर 2023 के नाम पर इस लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट उरवा मैदान पर UCG उरवा क्रिकेट मैदान पर इस दोपहर के 1:20 यहाँ पर बच चुके हैं और चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ 5 ओवर का खेल अभी भी शेष है और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए किशन जो कि आमतौर पर आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स का प्रतिनिधित्व किया करते हैं और यहाँ पर फ्रांचाइजी के तौर पर इस वक्त चुने गए हैं SCC वॉरियर्स के लिए फ्रांचाइजी खिलाड़ी के तौर पर चुने गए हैं और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था यहाँ तो ऊपर तब विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में जमावट करते हुए इस वक्त और 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात शॉर्ट फाइन लेग मिड विकेट एक्स्ट्रा कवर शॉर्ट थर्ड बैन इस वक्त मौजूद पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था यहाँ तो ऊपर तब विकेट दाहिनाथ के बल्लेबाज इस बीच अजमल सामना करते हुए लेग स्टंप से बाहर गेंद उनके हाथों से फिसल चुकी है अल्ताफ दौड़ पड़े निशाना चूका इस बीच निशाना लगा इस वक्त लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके हैं लैंड कर चुके हैं 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। बातचीत इस वक्त जारी है संतोष और किशन के बीच में गेंदबाजी के रणनीति के बारे में और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त किशन तैयार अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर स्विंग्स एंड ही स्विंग्स दैट वन इन अ स्टाइल लंबा छक्का इस वक्त अल्ताफ वालपाड़ी के बल्ले से लग चुका है लेग स्टंप पर गेंद थी और इस गेंद को कबूल करते हुए गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के ऊपर से लंबे छक्के के लिए अल्ताफ वालपाड़ी ने और इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड छलांग लगाकर अब पहुंच चुका है 30 रनों पर 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट।
तो रन इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज अल्ताफ वालपाड़ी और अजमल एक बेहतर साझदार यहां पर निभाते हुए और किशन फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन, परफेक्ट लेग कटर। गेंद कौन साइड पर उछालना चाह चुके और गेंद को फील्ड कर लिया गया। इस वक्त शॉर्ट थर्ड बैट पर रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है 30 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओपन नंबर 4 इन प्रोग्रेस। किशन अल्ताफ के लिए, ये गेंद इस बार टॉप एज, रन के लिए दौड़ पड़े और गेंद स्पिन होते हुए जब तक विकेट कीपर संतोष मंटवाल द्वारा फील्ड अपने आगे की ओर जाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फाइन प्रोग्रेसिंग ईयर नाउ फॉर कुलशेखर फ्रेंड्स आफ्टर बीइंग लूजिंग द टॉस एंड पुटिंग टू बैट बाय एसटीसी वॉरियर्स इन द मैच नंबर 3 ऑफ दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट केपीएल सीजन 2023। अगेन लेग स्टंप से बाहर और कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से इस वक्त बाहर की ओर शायद नहीं निकल रहे थे और इस बीच अंपायर बल्लेबाज अजमल इस वक्त मांग जरूर की लेकिन अंपायर ने कहा कि जी नहीं, गेंद लक्ष्य से ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल गया। तो कुछ बातचीत इस वक्त जारी है, शायद मेरे ख्याल से गेंदबाज अंपायर के आड़े आ गए थे गेंदबाजी करते समय। तो यहाँ पर दुविधा है अंपायर में कि शायद गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था तो इस वजह से उन्होंने वाइड इस वक्त घोषित नहीं किया और अब वाइड वो घोषित करते हुए क्योंकि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क यहाँ पर नहीं हुआ था और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर जबकि उनकी पारी का चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। और इस बीच किशन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लेग कटर गेंद थी, गेंद तक बल्ला अड़ाया, गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को हल्के से खेल दिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता संतोष द्वारा एक रन का इजाफा हो चुका है 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर, फिर से एक बार गेंदबाज तैयार किशन अल्ताफ वालपाड़ी बैक ऑन स्ट्राइक। ये गेंद इस बार उछालना चाहा चूके और रन के लिए दौड़ पड़े और जब तक गेंद को शॉर्ट फाइन लेग फील्डर फील्ड करे एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका 1 रन एडेड टू द टोटल 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओपन नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और इस ओवर में अंतिम बार किशन तैयार अजमल इस वक्त सामना करते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार अजमल के लिए उछालना चाहा स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद बल्ले का बारी किनारे टकराने के बाद पहुंची पॉइंट बकुड़ा थर्ड मैन पर और वहां पर किशन से टकरा गए थे अजमल और आखिरकार उन्होंने किशन को इस वक्त यहां पर उनके पीठ को ठोकते हुए उनको इस वक्त तसल्ली दी और आखिरकार सब कुछ सुरक्षित दोनों खिलाड़ियों के। 4 ओवर की समाप्ति 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स एंड अ फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग ईयर नाउ फॉर कुलशेखर फ्रेंड। 4 ओवर का खेल बाकी, देखते हैं इन बच्चे हुए 4 ओवर के खेल में उनके पारी में क्या क्या होता है। और इससे पहले कि पांचवा ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर अब मैं एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त बेहतरीन हिंदी कमेंटेटर स्टार नवाज जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा आगे का आंखों देखाल सुनाने के माइक्रोफोन पर। आइए नवाज जी, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी। केपीएल 2023 मैच नंबर 3 एसडीसी वॉरियर्स और कुलशेखरा फ्रेंड्स आपस पर मुकाबला लड़ते हुए तो आरंभिक बल्लेबाजी पर कुलशेखरा फ्रेंड्स शुरुआत के 4 ओवर पर 35 रन बनाने के बाद पांचवी ओवर की शुरुआत पर ही झटका। यहां पर अजमल यंग फ्रेंड शुरुआत अजमल के विकेट यहां पर प्राप्त हुए हैं एसडीसी जप्पू को, श्रीदेवी क्रिकेटर्स जप्पू, अंतरम क्रिकेट के काफी ऐतिहासिक मशहूर नाम और खास करते हुए इस केपीएल के साथ एक अनोखी संबंध नजर आते हुए एसडीसी जप्पू के पिछले 8 सीजन पर 4 बार फाइनलिस्ट बनने के साथों साथ 2 बार चैंपियन बने हैं एसडीसी जप्पू, 2 बार रनर्स के स्थान पर अपने आप को दिखाए हैं और इस बार देखना यह है कि इस श्रृंखला में एक नए रूप पर अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को अपनी टीम पर शामिल करते हुए 8वीं सीजन पर अब एसडीसी किस तरह से अपने आप को पेश कर पाएंगे, क्या दोबारा प्रूव कर पाएंगे कि यहां पर
कि हाँ हम पांचवी बार भी फाइनलिस्ट बन सकते हैं या बन के दिखाएंगे, क्या इस तरह के कोई प्रदर्शन निकल आएंगे एसडीसी से? और दूसरी तरफ तो बाकी बचे 11 टीम भी है, हर एक टीम के पास एक ऐसे एजेंडा है, एक ऐसे निरीक्षा है इस श्रृंखला को लेकर, क्योंकि अंडरम क्रिकेट के प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला है। जिस तरह से आप विश्व के सबसे अमीर क्रिकेट श्रृंखला आईपीएल को देखते हैं, उसी तरह अंडरम क्रिकेट के लिए यह निश्चित रूप से आईपीएल है। केपीएल कुडला प्रीमियर लीग शुरुआत के 4 ओवर पर 35 रन बनने के बाद, जब तक अजमल और अल्ताफ वालपाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे, ये दोनों की जोड़ी सही सलामत जरूरत के अनुसार रन बनाते हुए रन जुड़ाए हैं। और इस बार क्या लाजवाब छक्का आक्रम, यह है टॉर पड़ोस के शेर। अंडरम क्रिकेट के हर एक जानकारी के साथों साथ अनुभव हो या हर मूवमेंट के स्वाद लिए हुए बदन है ये अक्रम के, कितने लाजवाब छक्के थे वो। मैं दोबारा देखना चाहता हूं वो रिप्ले में, कि जिस तरह से संतोष की पिछली गेंद पर अपने बाएं पैर आगे झुकाने के बाद मिड विकेट के एरिया पर बहुत ही आला सिक्सर लगे, और उसके बाद ये गेंद डॉट बॉल, क्योंकि संतोष भी अनुभव में बिल्कुल कम नहीं। कभी कभी 19-20 वाली बात बनने के बाद बल्लेबाजों को किस तरह से रोक लगाए जाते हैं, किस तरह से फंसाए जाते हैं, ऐसे जानकारी तो अवश्य है संतोष के पास। ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। तो अगले मैच के दोनों टीम साइनअप के लिए तुरंत आ जाए, एलाइट अजनड़का और सूरजगिरी स्ट्राइकर्स, दोनों टीम अपने सदस्यों के साथ अपने हस्ताक्षर प्रक्रिया पूरा करें और टॉस के लिए तैयारी करें दोनों टीमों के कप्तान। अजमल के निर्गमन के बाद जो निराशा दर्शकों में देखने को मिले हैं, क्योंकि अजमल की बल्लेबाजी की शैली हो और उनकी योजनाएं, जब वो क्रीज पर रुके रहते हैं तो अपने साथीदार को देने वाली सलाह के साथों साथ उन्हें भी एक सही ट्रैक के साथ सही अनुभव भी उनके साथ शेयर करते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर खिलाड़ियां अजमल जैसे खिलाड़ियों के साथ मिलकर पिच पर खेलने के अनुभव को काफ़ी मज़े के। अल्ताफ वालपाड़ी को थोड़ी सी दुविधा देने की कोशिश यहां पर गेंदबाज से, संतोष के दोनों ओवर समाप्त होने के बाद अयाज गेंदबाजी पर राइट हैंड ओवर द विकेट, और बार शानदार स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वहां पर सुरक्षित तैनात है जब तक के एक टिप्पे के बाद गेंद को उठाए, रन आउट की खतरा यहां पर, लेकिन गेंद संतोष के हाथ पर मिली जरूर थी लेकिन संतोष जगह नहीं पहचान पाए। उन्होंने सोचा कि 9 स्ट्राइक के एरिया पर मौका खड़े हैं, लेकिन मौका तो स्ट्राइक पर थे, तो बचे यहां पर अक्रम। और हमेशा अक्रम की लंबाई और उनकी पैरों की लंबाई माप लीजिए आप, पिच के बीच दौड़ने के लिए अक्रम के लिए तो 4 जंप 4 छलान काफी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, तो इसीलिए हमेशा वो अगले रन के तड़प पर दिखाई देते हैं मैदान में। अयाज की अगली गेंद रिवर्स करने की कोशिश हवा में, संतोष दौड़ते हुए, लेकिन दोनों फील्डरों के बीचों बीच गेंद टिप्पा का है, एकमात्र सिंगल रन। पिछले बार भी टॉरपेडोस काना के उस जीत पर अक्रम के वो लाजवाब पराक्रम, अद्भुत प्रदर्शन, और आज भी देख लीजिए किस तरह से शुरुआत दिखाए और अपनी पहचान दिखाए बल्लेबाजी की। अल्ताफ वालपाड़ी लगातार ऊंचे शॉट की उम्मीद के साथ बल्ला गवाते हुए, और उनकी बल्लेबाजी में तो वही शोभा देते हैं, छोटी छोटी रन उनकी बल्ले को बिल्कुल सूट नहीं करते, इसलिए जब भी अल्ताफ वालपाड़ी के नाम आते हैं बल्लेबाजी में तो देखने वाले थोड़ी सी आंख खोल कर देख लेते हैं कि क्या होगा यहां पे। अक्रम और इस बार लॉन्ग ऑन के एरिया पर खेलते हुए धीरे धीरे से रन जुटाने के प्रयास पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं कुलशेखरा फ्रेंड्स। दूसरी तरफ एसडीसी वॉरियर्स, 2 बार के चैंपियन, 2 बार फाइनलिस्ट, कुल मिलाकर 4 बार फाइनलिस्ट बने हैं, और 12 अच्छी थी गेंद। अयाज केपीएल द्वारा खिलाड़ियों को खरीदने के उस प्लेयर ऑक्शन के समय पर अयाज के लिए काफी
कंपटीशन वहां पर देखने को मिले थे, तीन टीमों के बीच मुकाबला थे वहां पर, क्योंकि अयाज डिजर्व करते हैं। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर छह ओवर की समाप्ति के बाद, छठा ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 46 रन, 46 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिक्स ओवर। तीन विकेट के नुकसान के बाद लतीफ, संतोष और अजमल, इन तीनों खिलाड़ियों के निर्गमन के बाद अब अल्ताफ वालपाड़ी और अक्रम टॉरपडोस्काना की जोड़ी। अब बचे हुए 12 गेंदों पर देखना है कि दोनों बल्लेबाजी की ऐसे मिसाल है, एक तरफ अक्रम अनुभव के साथों साथ एक रोल मॉडल है अंडरआर्म क्रिकेट के लिए, ये अक्रम, फील्डिंग की बात हो, कप्तान की जिम्मेदारी निभाने की शैली हो, बल्लेबाजी पर मौके के अनुसार बल्लेबाजी की वो कदर हो, मैच विनिंग वाले प्रदर्शन दिखाते हैं। स्वीप करने की कोशिश, शॉर्ट स्क्वायर लेग की एरिया पर गेंद, एकमात्र सिंगल रन, गेंद की उस क्वालिटी को जिस तरह के जवाब की जरूरत है अपने बल्ले से अक्रम ने दे दिए स्वीप करते हुए, क्योंकि बिना ऊंचाई वाली गेंद को आप स्ट्रेट बैट खेलना चाहते हैं तो वहां पर काफी छोटी संभावना होते हैं बल्ले से गेंद आपके योजना के अनुसार गेंद टकराना। अगर आप स्वीप खेलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 60% गेंद बल्ले के साथ जुड़ने की मौका ज्यादा बन जाते हैं वहां पर, एक जाडू वाली शैली के साथ, खास करते हुए अंडरम पर यह शैली मशहूर है। और इस बार अच्छी गेंद अल्ताफ वालपाड़ी थोड़ी सी अपने आप को पीछे दिखा चुके थे इसलिए ये गेंद काफी लंबी लगे यहां पर अल्ताफ वालपाड़ी को। 22 की इशारा अंपायर रोलन पिंटो से, नियमों के सरदार है, इस अंडरम क्रिकेट को देश विदेशों में दिखाने के साथों साथ इस अंडरम क्रिकेट पर अंतरराष्ट्रीय नियमों को लागू करते हुए एक ऐसे ब्रांड खड़े किए हैं, एक सिस्टम खड़े किए हैं अंडरम क्रिकेट में रोलन पिंटो सर ने, और इस बात के लिए तो ज्यादातर अंडरम क्रिकेट के बड़े बड़े महारथियां प्रशंसा दिए हैं रोलन पिंटो जी के अनुभव के लिए और उनकी सलाह के लिए। और उसी तरह हरीश पटेल पिछले 25 सालों से इस रेफरी की जिम्मेदारी में बड़े बड़े पुरस्कार हासिल किए हैं, अलग अलग राज्यों में उनकी बल्लेबाजी आप देख सकते हैं, उनकी रेफरी की जिम्मेदारी देख सकते हैं। उसी तरह श्री राज कुंपला भी, और मैदान पर देख लीजिए अल्ताफ वालपाड़ी के विकेट, स्वीप शॉट को खेलने की कोशिश की है लेकिन गेंदबाज रिफवान एक बेहतरीन लाइन के साथ गेंद को सीधे विकेट पर लगाए, क्योंकि रिफवान जानते थे कि अल्ताफ वालपाड़ी मौका मिलते ही लंबे शॉट के साथ जवाब देते हैं। सातवें ओवर के दो गेंद अभी भी बाकी, कुल मिलाकर 8 गेंद बाकी बचे हैं बल्लेबाजी के लिए कुलशेखर फ्रेंड्स को, और गेंदबाजी पर एसडीसी जयपुर, अनुभव से अनुभवी खिलाड़ियां, एक से बढ़कर एक चतुर महारथियां। श्रीदेवी क्रिकेटर्स जयपुर संतोष के नेतृत्व पर, संतोष जयपुर के सारथ्य पर इस बार आप इस क्रिकेट श्रृंखला को देख रहे हैं, इस केपीएल को देख रहे हैं, एक खिलाड़ी होने के नाते एसडीसी जयपुर और यंग फ्रेंड्स उर्वा जैसे टीमों पर अपने अनुभव के योगदान निभाने के साथों साथ अंडरम क्रिकेट के हर लोगों के चिरपरिचित व्यक्ति हैं संतोष जयपुर। और इस बार 4 रन मिले यहां पर मिसफील्ड के नतीजा 4 रन के लिए, तो इस 4 रन के साथों साथ अर्धशतक के आंकड़ा भी पूरा हो चुके हैं कुलशेखर फ्रेंड्स के, 53 ऑन द बोर्ड। चेतन टीम के आइकॉन खिलाड़ी, केएफसी कोडिकल के महारथी है ये चेतन, आते ही चौके के साथ जवाब, और बार भी फ्लिक करने के प्रयास, विकेट कीपर को हराने के बाद गेंद दौड़ पड़े लेकिन विकेट के पीछे वाली जो कमजोरी वहां पे थे उस कमजोरी को अपने फायदा बनाए हैं कुलशेखर फ्रेंड्स के दोनों खिलाड़ियां। एक तरफ तो अक्रम, उनके लिए तो सवाल नहीं क्योंकि दौड़ने की बात आने से पहले ही अपनी दौड़ के विचार समाप्त कर लेते हैं, अपने दिमाग से ही वो पहुंच चुके होते हैं अक्रम, और दूसरी तरफ है चेतन, दोनों भी अनुभवी खिलाड़ियां। अब बचे हुए 6 गेंदों पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन, 54 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर, 4 विकेट के नुकसान के बाद, तो अब आखिरी ओवर पर यह देखना है कि कितने रन बना पाते हैं। क्रिकेट की भाषा में तो डेथ ओवर कहते हैं,
छोटी ओवर की मैच हो या बड़ी ओवर की मैच, क्रिकेट को देखने वाले हर एक दर्शक भी ये सोचते हैं कि आखिरी ओवर पर गेंदबाज पिट जाते हैं, खर्चीले साबित होते हैं, बड़े बड़े शॉट निकल आते हैं। ज्यादातर क्रिकेट के प्रेमियों के दिमाग पर आखिरी ओवर की एवरेज जो है 10 से भी बढ़कर, उनके दिल और दिमाग पर सोच होते हैं कि 10 से बढ़कर रन बनते हैं आखिरी ओवर में। लेकिन पिछले कई सालों से अंडररम क्रिकेट पर इस बात को गलत साबित किए हैं कुछ गेंदबाजों ने, अपनी क्वालिटी गेंदबाजी के साथ, अपनी टेक्निकल गेंदबाजी के साथ आखिरी ओवर ही निर्धारित किए हैं, आखिरी ओवर ही रिजल्ट वाले ओवर बनाए हैं गेंदबाजों ने। चेतन इस बार ऑप्शन से बाहर निकले, लेकिन गेंद तो लक्ष्य से बाहर निकला है। वाइड बॉल की इशारा, 1+1 टू मोर एडेड इन द टोटल, अब 2 रन के एक मुफ्त वाले बोनस मिले हैं वाइड के साथ। 56 अक्रम स्ट्राइक पर, पांचवी ओवर पर वो छक्का देखने के बाद कुलशेखर फ्रेंड्स को निरीक्षा है कि और एक दर्शन भी ऐसे ही एक नजारा हो जाए अक्रम से। उछालने की कोशिश इस बार, तो अक्रम वापस जा रहे हैं, शायद अक्रम के बल्ले से गेंद लगी थी तो कैच आउट के रूप पर वो अपने विकेट को खोते हुए महसूस कर चुके थे। वो जैसे ही गेंद को कैच पकड़े तो अक्रम अपने कदम बढ़ाने लगे डगआउट की तरफ, और ये सिंसियरिटी होते हैं क्रिकेट पर, अंपायरों के निर्धार को बिना इंतजार करते हुए, अगर वो जानते हैं कि मैं आउट हो चुका हूं, सच्चाई अगर वो जानते हैं तो उस सच्चाई के साथ खड़े रुकना। और लाखों लोग जो आपको देख रहे हैं, हजार हजार मिलके तो लाख बनते हैं, आजकल तो अंडररम क्रिकेट तो लाख भी पार कर चुके हैं, इतने दर्शक प्यार करते हैं अंडररम क्रिकेट को। तो देखने वाले हर एक दर्शकों के सामने हीरो आप तब बनते हैं जब आप न्याय के साथ खड़े होते हैं, सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। मिसाल है गीतेश के कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेज, हर बार हमने देखा है गीतेश को कई बार मैदान से वापस लौटते हुए अंपायर के निर्धार को बिल्कुल वो इंतजार नहीं करते हैं, अगर वो जानते हैं कि आउट हो चुके हैं तो वापस आते हैं मैदान से। द होनेस्ट क्रिकेट ऑफ प्लेयर ऑफ अंडररम क्रिकेट। तो आज अक्रम भी उसी तरह अपनी सिंसियरिटी दिखाते हुए मैदान में आया सर, और इस बार लक्ष्य से बाहर। स्विंग करने की कोशिश और इरादा जरूर थे, लेकिन गेंद को टिप्पा खिलाने की जगह यहां पर गलत साबित हुए, लक्ष्य से काफी बाहर गेंद को टिप्पा खिलाए तो इस वजह से गेंद ज्यादा स्विंग नहीं ले पाए और लक्ष्य से बाहर निकलते ही वाइड के करार अंपायर से। सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स, जितने भी जल्दी हो सके आपकी टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर यहां पर दाखिल करें। यॉर्कर डिलीवरी, पैर की जड़ों पर गेंद को इस्तेमाल किए, हयाज लेग बाय की इशारा अंपायर से, समझदार गेंदबाज है, हर एक ओवर की पोजीशन को समझते हुए गेंदबाजी करते हैं अयाज। 57 रन सातवां ओवर पार करने के बाद ये आठवीं ओवर, इनिंग्स के आखिरी ओवर, फील्डिंग पर छोटी सी परिवर्तन, विकेट कीपर संतोष बंटवाल फील्डरों की जगह थोड़ी सी बदलावन करते हुए। तो समय के पाबंदी पार हो चुके हैं, 8 ओवर की गेंदबाजी के लिए इस केपीएल के नियम के अनुसार जितने समय दिए जाते हैं वो समय तो पार हुए हैं, तो एक खिलाड़ी और सर्कल के अंदर आने होंगे। और इस बार चेतन खेले जरूर लेकिन जगह गलत, यहां पर गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधे फील्डर की दिशा पे। कुलशेखर फ्रेंड्स और एक विकेट, विकेट नंबर 6। अट्ठावन रन कुल मिलाकर, 58 ऑन द बोर्ड, 3 गेंद अभी भी बाकी है, 3 मोर बॉल्स टू गो। अब देखना यह है कि बचे हुए 3 गेंदों पर क्या थोड़ी सी ऊंचाई वाली शॉट निकल आएंगे।
क्योंकि दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक चतुराई भरी खिलाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियां, क्वालिटी खिलाड़ियों के समागम है ये केपीएल। यहां पर किसी भी खिलाड़ी को कमजोर नहीं देखा जाता है, हर खिलाड़ी के पास हुनर है। और बीच वो छालने की कोशिश किए लेकिन विकेट कीपर संतोष बंटवाल के हाथ पर गेंद, रन की बिल्कुल मौका नहीं, और एक विकेट रन आउट के रूप पर, विकेट नंबर 7, 7वें विकेट 58 रन पर। तो अगले मैच इलाइट अजयनडका और सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स दोनों टीम तैयार रहे। अब तो इलाइट अजयनडका के सभी खिलाड़ियां अपने हस्ताक्षर दे चुके हैं। सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स के कप्तान जितने भी जल्दी हो सके अपने सदस्यों को हस्ताक्षर के लिए भेजें और मैच के लिए तैयार हो जाए। M9 स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट पर 50,000 से भी बढ़कर सब्सक्राइबर को विश्वास पर लेने के बाद देश के कोने कोने पर आज M9 स्पोर्ट्स के कदर आप देख रहे हैं। और इस बार भी डॉट बॉल हयास के ये क्वालिटी, मैंने आपसे इसलिए कहा कि डेथ ओवर हमेशा सच साबित नहीं होते हैं, कुछ अच्छे अच्छे गेंदबाजों की चतुराई आखिरी ओवर ही उनके लिए वरदान बनते हैं। अब देख लीजिए आखिरी ओवर पर बने हुए रनों की संख्या को, रन बनने की जगह विकेट की गिरावट। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि छोटी ओवरों की मैचों पर ज्यादा विकेट गिराने की संभावना को रोक लगाइए। अगर आप 7-8 विकेट गवाते हैं तो हर विकेट गिरने के समय पर जो गेंद बर्बाद हो जाते हैं, 8 विकेट के समय पर अगर 8 गेंद बर्बाद हुए तो एक ओवर से भी बढ़कर वो मौका आपके हाथ से निकल जाएंगे, एक ओवर मुफ्त में निकल जाएंगे आपकी विकेट की गिरावट के साथ। हयाज अपने ओवर की ये गेंद स्लो ओवर डिलीवरी, इस बार उछालने की प्रयास, बल्ले के नीचे वाले सिरा लेने के बाद गेंद ऑन साइड पर, तो एक सिंगल रन के साथ साथ इनिंग समाप्त। 8 ओवर के बल्लेबाजी निभाने के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर बने हैं 59 रन, 59-60 इज द टारगेट। 60 रन के लक्ष्य निर्धारित 8 ओवर पर, 48 गेंदों पर एसडीसी जप्पू के लिए। अब देखना यह है कि बल्लेबाजी पर 59 रन बनाने के बाद कुलशेखर फ्रेंड्स अपनी गेंदबाजी की प्रदर्शन किस तरह से दिखाते हैं, किन किन गेंदबाजों को किस समय इस्तेमाल करते हैं, पावर प्ले पर कौन गेंदबाजी करेंगे, मिडल ऑर्डर पर, बीच पर किसे इस्तेमाल करेंगे गेंदबाजी के लिए। और दूसरी तरफ एसडीसी जप्पू 60 रन बनाने की योजना किस तरह से होंगे, एक से बढ़कर एक अनुभवी खिलाड़ियां खड़े हैं एसडीसी जप्पू पर, संतोष बंटवाल, संतोष जप्पू, अच्छे अच्छे अनुभवियां। अब देखना यह है कि योजना किस तरह से होंगे, शुरुआत किस तरह से करेंगे, आरंभिक पावर प्ले के फायदा किस तरह से उठाएंगे, 60 रन बनाने के लिए शुरुआत किस तरह से होना चाहिए, यह तमाम जानकारी आपके सामने पेश करने के लिए माइक्रोफोन पर आ रहे हैं सतीश हनुमान मैंगलोर, आंग्ल भाषा के एक ऐसे मशहूर वीक्षक विवरणकार, हर एक मैच के रौनक बढ़ाते हैं अपने अनोखी शब्दों से, रंग बिरंगी शब्दों से दर्शकों के कान को ऐसे धुन पहुंचाते हैं सतीश हनुमान। एक खिलाड़ी के अनुभव होने के नाते ज़्यादातर जानकारी अपनी लफ्ज़ों में पेश करने के समय पर सुनने वाले कानों को भी इतनी तसल्ली मिल जाते हैं कि वो एक सच्चे क्रिकेटर, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को वो लाइव देख रहे हैं, महसूस तो निश्चित रूप से उससे कम नहीं है। तो आइए सतीश जी, अब आपकी बारी, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं आपकी लफ्जों से वो रंग बिरंगी शब्द सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Star Nawaz, for your word of inspiration and a word of support, a supporting word, and it means me a lot. And it's always the cricketer loves to not only loves to perform in the ground, but even you are out of the ground,
always you were keen to do something special for cricket, something good for cricket, and that's humbleness will automatically, which is converting into wordings, and which is maybe touches the cricket lovers. So thank you very much, Star Navas, because you are the one, you are also one of the best commentator as far as touching the heart of cricket lovers is concerned. ಸುರಗಿರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು KPL ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುರಗಿರಿ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ formalities of signatures as soon as possible. So Sridevi Cricketers, the five times finalist of the KPL will go into start their journey in the first match against Kulshekhar of Friends. And Kulshekhar of Friends, they got a 60 and they got 61 to win the match for Sridevi Cricketers. So first of all, Chetan will go into start the proceedings from the Vision India end, and in front of is Santosh, one of the most attractive player in a present cricket, driven that one down to mid off. Going for the quick single, Altaf Walpadi down at short mid off region, shying at the stump. All the supporters of Sridevi Cricketers really got their heart in their mouth, because Santosh Bantwal is the one who can be the game changer for any opposition, and doesn't want to lose his wicket for the first delivery in the form of run out, but he survived from that direct hit from Altaf Walpadi. Good piece of fielding there, Altaf, but not quite able to hit the stumps in the negation. First run comes up here for Sridevi Cricketers, Jaipur. Chetan from the far end, right up over the wicket. Oh my goodness, oh, look at the stop there from Ajmal. This is Ajmal for you. Wide call by umpire. This is what your commitment. Why the people, people like some cricketers? Because of their dedication toward the crickets. And 100% dedication, 100% effort in the delegation from Ajmal to stop the boundary for his team, and he succeeded to do that. So just a single, three on the board. Chetan again, right arm over the wicket. Santosh going for the big off try, expansive try on the offside region, but misses the line completely. Chetan is a very clever bowler, of course, who represented for KFC Codical for a long time. Is know exactly what Santosh will going to do. And they played against each other so many times, so that it's going to be a very good contest between these two. Again, Chetan bowling from the far end. Right arm over the wicket, bowling to Santosh. Santosh wanted to play the improvising reverse sweep, but missed it completely. Again, that dotted delivery. Santosh always want the kind of player wanted to get runs quickly from his bat. And one more dotted delivery from Chetan there. Again, bowling. Pass umpire Arish Padil over the wicket. This time forcing that ball, almost ball in the midline leg stump. Managed to get the single down to deep long on region. And with that single, Skobana moves on to four on the board. Santosh Bantwal moves on to two. Manu will go into face next delivery from Chetan. Short run up. Bowling almost in the wide of the crease. Wanted to get that one very fine, not really having enough bat onto that. Might be ball missing his bat. Very good stuff there from Chetan in the first over of the power play. Able to keep the batsman quiet. It's four without loss of any wicket. Again, this time nicely driven, but protection is given for that extra cover drive down at deep, so that batter have to settle for the single. And Pradeep, the fieldsman, then the deep extra cover, the quick fielder. So first over completed, tidy over there from Chetan. And just like in the innings of team Kulshekhar of Friends, they got a shackling start. They lost two wickets for just three runs. And here, after completion of first over, the comparison, what you're talking about between these two, after completion of first over, STC cricketers, yeah, they are five on the board, but they didn't lose the wicket. And just you are talking about this two teams, we are talking about Kulshekhar Friends
which is owned by Raju Pujari Bangera from Israel, Jerusalem. He's the one, he's taking the underarm cricket into high level by organizing the cricket tournament in Israel and spreading the wings of underarm cricket. Thank you very much, Raju Bangera, Raju Pujari Bangera. And now his first time is participating in this Kudla Premier League and owning Kulshekara friends, cricketers, Kulshekara. This time, catch it is a call. Catch has been taken. And Manu Bantwal played a loose sweep shot. Almost he tried to drag the ball from outside the line of off time. But ball which is hitting is not a sweet spot of the bat. When you are wanted to play the ball, wanted to play the sweep shot, I think is always going to be difficult when the ball which is outside the line of off time. And he just pays the penalty for that. Didn't control that very well. And the square leg fielder making no mistake at all. It's 5 for the loss of 1 wicket. So talking about team Kulshekara, our friends, Raju Pujari and Pradeep is the manager of the team and icon player Chetan and advisor Abhishek and Samir. So with all these guys guidance, Kulshekara friends are representing for this Kudla Premier League Season 8. Shashi is a new batter in. This time Shashi tried to pose that one. Going for the quick single. Again, Altaf on the body. This time he's not missing the stump. This time Altaf Alpari not missing the stump as Shashi is going for the risky single, which is not required in a situation like this for SCG Warriors. And he's finding himself short of his crease. Even he's not looking for the result, looking for the decision of umpire. He knows that he's a short of the crease. And Altaf Alpari is now has got a sharp shoot into the stumps. It's 5 for the loss of 2 wicket. Absolutely risky run, isn't it? And it's not really required, I think so, from Shashi, because after playing that ball straight to the hands of mid-off region, he's the one is running towards a dangerous end and is always going to be asking for trouble when there is a direct hit. It's 5 for the loss of 2 wicket. STC Warriors are in the back foot in the first ball, it's the first over itself. The second over itself, in fact. The new batsman is Nagaraj. He's in non-striker then. Partnership which is badly required here for STC. Imtiaz bowling away from us. Right arm over the wicket, Santosh nicely played that one, beautifully played that one, corrects that one down to cow point region for a couple of runs. Of course, if you got only a couple of runs, but in that kind of cricketing stroke will give lot of confidence for the batter, because this is one of the delightful stroke to watch sometime. The placement is so good, and the way that he played that stroke, just wide of that cow point fielder to got a couple of runs, and 7 on the board for the loss of 2 wicket. Imtiaz. Again, bowling away from us. Right arm over the wicket, try to flick. And off his legs, they're going for the quick single. This time, they managed to complete that one because the ball which is gone left of that short fine leg field. And with that single, Skoban Namuzan to 8 for the loss of 2 wicket. Nagaraj is not satisfied with this bat. He wanted to change his bat. Very, very important that, because it is always going to be a mind game sometime. If you're not happy with the bat, what you're using, and that will going to create a little bit problem for the batters. And some batters will going to choose a slight bit of heavy bats. Some batters loves to play some light bats. Now umpire Roland Pinto is quickly calling the one of the member of STC Warriors.
something is going on. Maybe that the bat which is brought to Nagaraj, I think the need to bring that extra player, the 12th man. But I think those who are in a playing 11, not allowed to enter the ground without the permission of umpires. That might be the umpire, Roland Pinto, sir, just saying that. And Ayaz is one is a member of a player of STC Warriors in the playing 11. So that umpire giving some kind of warning for Ayaz. So now back to match as Imtiaz continues. This time appeal for leg. We're going to get a chance of run out. Oh, Santosh misses the stumps. What could be a wicket number three here for the team Kulshekar? Friends, they just missed it. Nagaraj wanted to play that sweep shot again. That line is not good enough to play the shot. Already one batsman is back into pavilion, Manu, by playing the sweep shot. The same kind of that line which is bowled by Imtiaz. Nagaraj wanted to swept, missed it completely. Again, we're going for off dry, not really getting the timing behind the stroke. Imtiaz once again showing his excellency, converting that experience into performance in that over. Two gone after completion of over number two, chasing a total score of 60 to win this match. SCC Warriors are 8 for the loss of 2 wickets. Still not come out from the worries. Just I want to see the equation now. The 6 overs remaining, that means 36 balls remaining. They have to get another 52 runs to win this match. That means they need to get one or two big overs quickly if they wanted to back in the game. But I think having Santosh Bantwal in the middle, anything can be possible. They got some players like Unnikrishnan, the mighty striker of the ball, to come in. But I think it's very important in the middle, Santosh have to play some responsible innings for his team. Icon player, Santosh Bantwal and Santosh Jeppu, two great players of Sri Devi Cricketers. Chetan again from the Vision India end. Balls went for the reverse sweep. Wicketkeeper behind the stump. Santosh did the rest again. Santosh today not really getting the ball to his bat whenever he's trying for his favorite reverse sweep. Chetan succeeded to keep this man quiet in the first over. Now he's trying his best in the second. Ball deep, clean him up. Too much across the line of the delivery. Wanted to got that one very fine, but the ball misses us. Bat hits the stumps. Chetan strikes. That's what the wicket to Kulshekar friends wanted. And now I think Sri Devi Cricketers are in a deep, deep trouble. It's 8 for the loss of 3 wickets. Some fantastic crowd out here in the UCG Cricket Ground. Day number one itself, you can see that. All we can see that all on the ground, the crowds enjoying the game of cricket. This is what I want is the popularity of Andhram cricket. And not only the popularity of Andhram cricket, but it's the popularity of KPL, Kudlam Premier League. And they know that this is going to be the day which is going to be an entertainment day for them. And lovely crowds out here in the UCG Cricket Ground, enjoying the game of cricket. And in our commentary box as well, our friend Anil KV is enjoying the game of cricket here in the commentary box after playing Legends Cup yesterday and day before yesterday. Two very good days of cricket, which has witnessed some Legends players' performance in front of good crowds. And now we are into KPL Season 8, day number 1. Chetan. Bowler's back drive on his follow-through. Good fielding there by Chetan. Unnikrishnan is known to be a mighty striker of the ball. Big man in Andhram cricket. One over performed very well for Gori Young Boys for a long time. And still, he is very fit and very effective. Chetan again from the far end. Right. Oh, my goodness. That ball almost looks like going to hit the stump. But last moment,
Unnikrishnan has got a bat under that, otherwise that ball going to crash the middle and leg stump of Unnikrishnan. 8 for the loss of 3 wicket. Runs are very hard to combine against the disciplined bowling performance of Kulshekar, friends. Chetan. Bas Unnikrishnan once again going for the mighty drive of almost transferring his weight onto the back foot to get the big shot, one of his favorite shot. But Chetan is not really giving in room, such a room to play the big shot. Just a single there. It's 9 for the loss of 3 wicket. Three wickets gone. Only 9 on the board. Third over is in progress. Nagraj is on strike. Chetan. Again, drives, missed it. Wicketkeeper Santosh collects the ball. One more fantastic over, which comes to an end of Chetan. I want to say it's bowling figure. Outstanding bowling performance from Chetan. 2 overs, no maiden, and he conceded 6 runs and picked up 1 wicket. What a great bowling spell. 3 runs per over, the economy. The previous over is just a single. And he got a huge wicket of Santosh Bantwal. It's 9 for the loss of 3 wicket. 5 overs remaining. 30 balls remaining, excluding wides and no balls. Out of that, they need to get another 51 runs to win this match. The run rate, asking run rate, is now climbing up. Almost 10.17 runs per over. Always, it's going to be difficult in underarm cricket, but not impossible when you're having a batter like Unnikrishnan. Always recognized as a game changer. But so far, they did a great job in 3 overs. Kulshekar friends are really tighten up the screws by picking up 3 valuable wickets of their opposition and not giving any so many runs in that over. Again, Imtiaz bowling away from us. They go, Unnikrishnan almost drags the ball from outside the line of off time. They played it in the gap. They come back, coming back for the second. In comes a throw. Unnikrishnan not really running in the dangerous end, but he's running towards a safer end. That's why he's very safe in that occasion, because throw which is coming towards the non-cycle end, so that Unnikrishnan managed to complete a couple of runs. 11 for the loss of 3 wicket. Imtiaz. This time. Oh, just over the head of the Chetan down at extra cover. But protection is given in the deep at cover point, so that the fielder will go into field that one. One more run added to total with that single score, but now moves on to 12 for the loss of 3 wicket. Nagraj is on strike. Imtiaz bowls lovely reverse sweep in the direction, right in the gap, chasey for the fielder, but one fielder from the deep cow point region will go into quickly, moving towards the direction of the ball, but here is Ajmal, little bit presence of mind for him, he's almost charging to collect the throw from the deep, and you know exactly, Unnikrishnan is not a good runner, but in the wicket, he will take a lot of time to complete the couple of runs, so that he wanted to hit the stumps in the non-cycles end, but ball just misses the stumps. Is absolutely athletic. Talking about Ajmal. Oh, bowled him, cleaned him up around the legs. Too much across the line after delivery. Nagraj exposing his stance. And Imtiaz knows that this is the right time to bowl that around the legs of the batter and bringing that one into the stumps. And he's back into pavilion. Fourth wicket of SDC. Back into pavilion, they're looking in absolutely tremendous pressure. 14 for the loss of 4 wicket. 46 more runs required for the victory. As Ayaz is a new batter walking towards the middle. Not too many batting left now after this. Kishan to come. And Rakshit Rifan
This time, ball is in the air. Catch it is the call. Chetan will go in to take the position quickly. But just running back. Excellent judgment there by Chetan. One more wicket is back into pavilion. Ayaz out for Golden Duck. It's 14 for the loss of 5 wickets. Shridevi Cricketers Jabu. The pressure which is for Shridevi Cricketers straight away in the second over. They got a 5 in the first without losing a wicket. But once they started to lose the wicket, then a frequent intervals there keep on losing wickets. And they are looking in a deep trouble now. 14 for the loss of 5 wicket. And next match, Elite Adhyanadka. They're playing their second match. And team Suragiri Strikers also, they're playing their second match. Both are the winners. And a little bit correction. Elite Adhyanadka, they won the first match. And Suragiri Strikers, they lost the match against Kumpala. A lovely delivery, and this time Kishan wanted to cut that one. Fourteen for the loss of 5 wicket for the next match. The 4 overs completed, and before the next ball going to start, it's a time to change in commentary box. And before that, for the next match, the captain of Elite Adhyanadka won the toss and they elected to field first, ball first. And now it's a time for Gopi to take over the microphone. Thank you very much. Shukriya Satish. और जहां तक सवाल है इस वक्त 14 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर और रियली द टेस्टिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ एसटीसी वॉरियर्स पहली गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन बाय उन्नीकृष्णन नॉट सक्सीडेड और गेंद उनके पैरों पर टकराने के बाद जब तक फील्ड हो शॉर्ट थर्ड बैन पर एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 15 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सुकेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त मिड विकेट पर और बेहतर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट दिस टाइम ब्रिलियंट स्टॉप मेड बाय द डीप मिड विकेट फील्डर जैसे ही गेंद उनके ऊपर से निकले उनके सिर के ऊपर से निकले इम्तियाज जो फील्डर थे अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को उन्होंने ढकेला सीमा रेखा के अंदर और आखिरकार सेट एंड सिक्स जिसे कहते हैं निश्चित रूप से छक्का हो सकता था इस छक्के को बचाते हुए और सिर्फ 2 रन यहां पर बल्लेबाज एक रन सिर्फ बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और इस बीच सिर्फ एक रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता तो ऐसे सेव निस्संदेह उनके टीम को और मजबूती तक पहुंचा सकते हैं और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है रनों का तो सिर्फ रन मिले एक और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए सुकेश इस बीच तैयार ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन गॉन फाइन इट्स गॉन फाइन डाउन टू थर्ड मैन फॉर अ बाउंड्री विकेट कीपर के हाथों से गेंद चुकी एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और गेंद इतनी फाइन निकली कि शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद थे थोड़ा सा स्क्वेयरर उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं प्रदान किया गेंद ने और फाइन इस वक्त निकल चुकी है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर रन इस वक्त बनने जरूरी है वो किस तरह से बनते हैं ये जरूरी नहीं है इस वक्त एसटीसी वॉरियर्स के लिए और स्कोर इस वक्त इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 20 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट और अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी 16 बॉल्स लेफ्ट 40 रन्स मोर रिक्वायर्ड फॉर देम और सुकेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार 19
कृष्णन इस वक्त सामना करते हुए जहाँ तक उन्नी कृष्ण का सवाल है तो मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था कि उन्नी कृष्ण के पास वो क्षमता एबिलिटी है कि वो एक विस्फोटक एक्सप्लोसिव बारी खेल सकते हैं, अपनी टीम को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ तो ज़रूर हुआ है, अंपायर दोनों अंपायर और बल्लेबाज इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए, अब दोनों अंपायर आपस में बातचीत करने के लिए बढ़ चुके हैं और खुद इस वक्त बातचीत करते हुए खेल चुके, कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो तख्ता अभी भी भारी लगता हुआ कुलशेखर फ्रेंड्स का, और निश्चित रूप से यहाँ पर अगर बाउंस बैक करना है एसटीसी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को तो इस वक्त उन्हें इस वक्त एक आक्रामक बल्लेबाजी खेलेगी। और यहाँ पर तीन फील्डर ऑन साइड पर जो कि मौजूद थे, तो यहाँ पर देखना यह है कि तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त मांग दी गई है कि तीन फील्डर ऑन साइड पर यहाँ पर मौजूद थे या नहीं, तो अंपायर ने इस वक्त कहा है और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर क्या निर्धारण लेते हैं। सो इस वक्त पॉपिंग क्रीज के पीछे बिहाइंड द पॉपिंग क्रीज तीन फील्डर शायद वहां पर होने की संभावनीयता है, तो इस वजह से अंपायर ने तृतीय अंपायर के लिए मांग की है और देखते हैं क्या होता है। सो इट्स अ नो बॉल डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। और जहां तक सवाल है इस वक्त नो बॉल का, पॉपिंग क्रीज के पीछे तीन फील्डर मौजूद है, बिहाइंड द पॉपिंग क्रीज देयर इज अ थ्री फील्डर बिकॉज ऑफ दैट अंपायर कॉल्ड इट अ नो बॉल और एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है और फ्री हिट गेंद भी बल्लेबाज को मिल चुकी है, तो स्कोर एक रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर, 5 विकेट के नुकसान पर, 21 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 39 मोर रन नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और गेंदबाज इस वक्त सुकेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात के बल्लेबाज उन्नी कृष्णन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग में यहां पर जमावट चलती हुई और सुकेश इस वक्त उन्नी कृष्णन के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, तैनात राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाह, रन के लिए दौड़ पड़े नजदीकी मामला, निशाना चूक चुका है यहाँ पर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का, निशाना इस वक्त दागा था स्ट्राइकर एंड पर लेकिन आखिरकार निशाना चूकता हुआ और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज छोड़ बदल चुके हैं, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर, 5 विकेट के नुकसान पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार सुकेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को चालना चाह, बेहतर गेंद थी, गेंद लगभग बल्ले के अति निकट टिप्पा खाती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, दो गेंदें बाकी इस ओवर में और गेंदबाज इस वक्त तैयार अपने ओर की अगली गेंद, तैनात राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार दिस इज अ क्लीट आई थिंक सो इट कैन बी गो नो नो ड्रॉप्ड In fact, the ball lost its speed at the last moment. At the last moment, हवे के रुख के खिलाफ इस स्ट्रोक को खेला था और जीतोड़ प्रयत्न, बेहतरीन प्रयत्न यहाँ पर किया था डीप मिड विकेट फील्डर ने, लेकिन यहाँ पर कैच को लपकने में असफल, देखिए किस तरीके से हुआ था, he just wanted to catch that one inside the fence. Have a look at this in the replay. और पहले प्रयत्न में गेंद उनके हाथों से छूटी, दूसरे प्रयत्न में भी छूटी, लेकिन यहाँ पर वो छक्का बचाने में सफल रहे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ एक रन प्राप्त करने का, बेहतरीन प्रयत्न वहां पर किया था, ग्रेट एफर्ट, और एकमात्र रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ 23 रन बन चुके हैं यहाँ पर इस ओवर में अंतिम बार। सुकेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार, तैनात के बल्लेबाज उन्नी कृष्णन इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस वक्त उन्नी कृष्णन के लिए स्क्वायर, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच टेकन बाय द एक्स्ट्रा कवर फील्डर,
इम्तियाज फील्डर थे और गेंद को उछाला था और इम्तियाज ने ऊपर की ओर डाइविंग लगाई अपने अंतिम प्रयत्न में, क्यों ना गेंद को लपकी जाए, शायद गेंद हाथ में मिलती हो तो मिले, और मिल गई गेंद और यहाँ पर गेंद उनके हाथों में बैठ गई कहना पड़ेगा। और इस बेहतरीन कैच की बदौलत यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है। तो पांचवा ओवर समाप्त हो चुका है, 5 ओवर्स कंप्लीटेड, 23 ऑन द बोर्ड एंड 6 विकेट्स लॉस्ट फॉर एसटीसी जयपुर। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ, 37 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री, 3 ओवर्स रिमेनिंग एंड अ फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर्स ऑफ कुलशेखर फ्रेंड्स। छठा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से, और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन हो चुका है जो कि नॉन स्ट्राइक रेट पर इस वक्त मौजूद उन्नी क्रिस्टन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। जब तक उन्नी क्रिस्टन क्रीज पर मौजूद है एसटीसी वॉरियर्स के उम्मीदें बरकरार रहेंगे। और इस बीच गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, 37 रनों की और दरकार बचे हुए 3 ओवर में यानी 18 गेंदों में। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई और पिछले वाइड का इशारा किशन के लिए गेंद थी और आखिरकार यहाँ पर एक रन मिला अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में। किशन फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज प्रदीप वाइट के साथ शुरुआत इस वक्त कर चुके हैं अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर नजदीकी मामला और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। जोखिम भरा दूसरा रन चुराना चाह किशन ने और भुगतान उन्हें करना पड़ा, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ विकेट कीपर के हाथों पर, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिए। 7वां विकेट गिर चुका है, पारी इस वक्त लड़खड़ाती हुई एसटीसी वॉरियर्स की 25 for 7। So 25 for the loss of 7 wickets और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद को उछालना चाह नॉट क्वाइट मिडल विकेट, लंबे कद के खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पर मौजूद इरफान और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए प्रदीप। तो निस्संदेह चौके और छक्कों का यहाँ तक सवाल है, इस वक्त चंद चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है यहाँ पर एसटीसी वॉरियर्स को इस मैच में कमबैक करने के लिए। और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त नॉट क्वाइट मिड विकेट, इफेक्ट दे गॉन थ्रू क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट बिफोर द बॉल हैज बीन कलेक्टेड बाय द शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फील्डर एंड बैक ऑन टू द स्टंप्स, 26 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए प्रदीप अनिश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद एब्सोल्यूटली फैंटास्टिक वन केम अलोंग द ग्राउंड एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर, छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर और धीरे धीरे अपनी सही रिदम को इस वक्त प्राप्त करते हुए इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया नॉट क्वाइट मिडल विकेट, एब्सोल्यूटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर और गेंद सीधे पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। हल्का ऑफ बॉल पड़ी वहां पर फील्डर थे, गेंद को उछाला था जरूर लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। और इसी के साथ 8वां विकेट यहां पर गिर चुका है, एसटीसी वॉरियर्स आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल, just they got 2 wickets kept intact and 34 runs more now they have to score for victory. और इंतजार है इस वक्त नंबर 10 बल्लेबाज का, तो देखते हैं कौन सा बल्लेबाज नंबर 10 बल्लेबाज के तौर पर
मैदान पर उतरते हैं। तो इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है और गेंदबाज इस वक्त तैयार है, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए विजन इंडिया इनकी ओर से। और ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है। 26 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर 7 स्टार्ट्स। बॉलर ब्रॉट इनटू द अटैक इज स्टार्टिंग फ्रेश प्रोसीडिंग्स और इस बीच रिफान ने सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह। गेंद इस वक्त पहुंची गली पर, एक रन का इजाफा और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 27 रनों पर, 8 विकेट के नुकसान पर। सातवां ओवर शुरू हो चुका है, 11 गेंदे बाकी और 33 रन जाइए 33 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 11 डिलीवरीज। 3 रन पर बॉल दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और इस बीच लेग स्पिन गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पर रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के आधे में रन नहीं मिलेगा। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ यहाँ पर एसटीसी वॉरियर्स के बल्लेबाजों के ऊपर और अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, प्लम प्लम इन फ्रंट और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि गेंद उनके पैर पर टकरा, उनके पैर बिल्कुल मंडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। 27 for 9 एंड जस्ट लास्ट विकेट रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। संतोष इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए अनुभवी खिलाड़ी और नंबर 11 की हैसियत से क्रीज पर मौजूद है। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 27 रन 9 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज संदीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनातों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार है। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड बैन पर गेंद पहुंची, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 28 रनों पर, 32 रन इस वक्त चाहिए और कुल मिलाकर गेंदे बाकी है सिर्फ 9, 32 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 90 ओवर्स इन फैक्ट। और संदीप 8 गेंदों पर, 8 बॉल्स रिमाइनिंग इन फैक्ट, आई बेग पार्डन, इट्स 8 बॉल्स रिमाइनिंग। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनातों पर द विकेट। ये गेंद इस वक्त गेंद को उछाला, नॉट क्वाइट मेंटली गेट, गॉन फॉर अ क्विक सिंगल, दिस कुड बी इन ट्रबल, द थ्रो वाज लिटिल बिट एक्यूरेट, लेकिन थ्रो इस वक्त कुछ हद तक धीमा और बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 29 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, 7 बॉल्स लेफ्ट, 31 रन रिक्वायर्ड लास्ट टाइम इन दिस ओवर। संदीप कम्स राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद स्टंप आउट और इसी के साथ दैट्स इट। SDC Warriors bundled out for just 29 runs, chasing the victory target of 60 and 30 runs comprehensive victory, the big margin victory for Kulshekar Friends by 30 runs, and with this comprehensive victory they are they back the complete points. So match number 3 of this prestigious cricket tournament KPL season 8 2023 is now came to an end, and now the match number 4 is now going to commence within just a short while. और वो मैच नंबर 4 यहाँ पर शुरू होगा। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त राज्यभाषा हिंदी में नवाज जी के साथ, जब यहाँ पर नंबर 4 मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक, थैंक यू, धन्यवाद।